welcome students to the next lecture on aldehydes and ketones part second. इसमें अपन methods of preparation पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है alkene से preparation, जिसे अपन ozonolysis कहते हैं. ozonolysis आपने दो step अभिक्रिया है. सबसे पहले तो ozonikaran होता है, ozonization होता है, और फिर ozonization के बाद ब्रेकिंग होता है वाटर के प्रेजेंस में, जैसे अपन लेसिस कहते हैं, जल अपघटन होता है. तो इसका नाम पूरा पड़ता है ओजोनोलेसिस. क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओजोन जिंक के प्रेजेंस में हुई और दो कार्बोनिल कंपाउंड्स अपन को मिल जाते हैं. ये देखिए दो पदों में यह अभिक्रिया होती है. फर्स्ट स्टेप में ओजोन का एडिशन होता है और ओजोनाइट बनता है, और उसके बाद उसको अपन जब जिंक डस्ट से ट्रीट करते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव हो जाता है. तो देखिए इसमें एक एल्कीन और ये ओजोन है. ओजोन में अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इधर भी. और ये ऐड होके सबसे पहले मोल ओजोनाइट बनाता है, जिसमें कि रीअरेंजमेंट होता है और वो ओजोनाइट में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद इस जो ओजोनाइट है उसमें आपके वाटर के प्रेजेंस में इसकी ब्रेकिंग होती है. जिंक और है इसकी उपस्थिति में, और उसके बाद अपन को दो कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल जाते हैं. बहुत ही अच्छा मेथड है प्रिपरेशन का कार्बोनिल कंपाउंड्स का. ट्रांसफॉर्मेशन इसमें देखें मोल ओजोनाइट का ओजोनाइट में. मोल ओजोनाइट जो है इसमें आपके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है और ऑक्सीजन के पास इधर पर लोन पेयर आ जाते हैं. ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव. उसके बाद जो आपका कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्योंकि कार्बन आपके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है. तो न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक करता है और इस तरीके से ये एडिशन हुआ और उससे कन्वर्ट हो गया ओजोनाइट के अंदर. इसमें जो हमने जिंक लिया है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि इसमें जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होने देता. अगर जिंक की अनुपस्थिति में करेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण होगा और वो अपने जो प्रोडक्ट है कार्बोनिल कंपाउंड्स का एल्डिहाइड या कीटोन उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगी. इसमें एग्जांपल्स देखिए. सबसे पहले लीजिए 1-butene. यहाँ से आपकी ओजोनाइजेशन और क्लीवेज होगा और अपने को प्रोपेनल मिलेगा और फॉर्मल डिहाइड मिलेगा. 2-butene में यहाँ से ब्रेकिंग होगी और ऑक्सीजन लग जाएगा, तो 2-butene आपके दो मॉलिक्यूल्स एसिड एल्डिहाइड के बनेंगे. इसी तरीके से आइसोब्यूटीन है, वो भी ओजोनोलिसिस करा तो आपके डबल बॉन्ड ओ इधर आ गया और प्लस फॉर्मल डिहाइड. इनके साइक्लो एल्कीन्स लें तो यहाँ से जब आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग इधर से होगा, CHO यहाँ और CHO यहाँ. एक डाई एल का निर्माण होगा जिसे हम कहते हैं 1-2-3-4-5-6 हेक्सान डाई एल. और ये सब ये एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल देखिए साइक्लोब्यूटीन, आपके दो तरफ से इसका क्लीवेज होगा और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और अपन को दो मॉलिक्यूल्स ग्लाइऑक्सिल के मिलेंगे. इसी तरीके से 1,4-cyclohexanediene, इसमें भी अपने ओजोनोलिसिस करने पर अपने को प्रोपेनल मिलेगा इधर से, और इधर से आपने ओजोनोलिसिस होगा. इसकी मैकेनिज्म जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो देखिए. मोल ओजोनाइट इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर अपने शिफ्ट होंगे. इधर देखिए इधर शिफ्ट हुए और इधर ऑक्सीजन के पास आ गया, और फिर ये डायपोलर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके डायपोलर आयन अटैक करेगा और ओजोनाइट का निर्माण होगा. नेक्स्ट जो मेथड है वो है एल्काइल्स से, जो कि हाइड्रेशन से अपन इसको बना सकते हैं. हाइड्रेशन है एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. 40% इसमें अपन सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट का, तब अपना कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है. देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और अपन सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरीके से लिख सकते हैं. तो अपना जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है, मतलब इस कार्बन पे, और इधर पर ये जाके प्रोटॉन ऐड हो जाएगा. फिर हाइड्रोलिसिस आप करिए, इनोलिक फॉर्म आपको मिलेगा. ये इनोलिक फॉर्म टॉटोमराइज होके कीटोन
में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटिलीन का जो कन्वर्जन होता है एसिड के प्रेजेंस में तीनों का, तो ये किसका निर्माण करता है? एसिटाल्डिहाइड का। इस अभिक्रिया को अपन कुशेरोव अभिक्रिया कहते हैं, सिर्फ एसिटिलीन के साथ। और सिर्फ एसिटिलीन ही ऐसा कंपाउंड है एल्काइंस में जो कि एसिटाल्डिहाइड देता है, बाकी सभी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो सब एसिड का निर्माण करते हैं। देखिए अदर एल्काइंस, एसिटिलीन इसके साथ तो अपने एसिटाल्डिहाइड बन गया, लेकिन अदर एल्काइंस जब हैं, जब आप इसका आप घर पर भी इनकी प्रैक्टिस करके देखिए, वन ब्यूटाइन है, इसको अपन जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा आपके CH3CH2CO CH3 ब्यूटेनॉन का निर्माण होगा। इसको जरूर करके देखिए, वन ब्यूटाइन और ट्यू ब्यूटाइन से अपने को कीटोन मिलेंगे। मीन्स सिर्फ एसिटिलीन से अपने को एसिटाल्डिहाइड मिल रहा था एल्डिहाइड, लेकिन बाकी सभी से अपन को बाकी सब अपने एल्काइन से अपन को क्या मिलेगा? एल्केनॉन मिलेगा, कीटोन का निर्माण होगा। इसका मैकेनिज्म देखिए, मर्क्यूरिक आयन्स इस पर अटैक करके मर्क्यूरी आयन का निर्माण करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मर्क्यूरिक एसिटिलीन लिया, मर्क्यूरिक आयन्स लिए, ये आके ये थ्री मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है जिसमें कि आता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और पान इसमें आपके मर्क्यूरिक इस तरफ जुड़ गया। आपके जुड़ने के बाद आपके हाइड्रो OH2 वाटर आपके निकल जाएगा, इस तरीके का एक प्रोटॉन निकला और मर्क्यूरिक आयन से इस तरीके से आपके बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। फिर इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस के बाद इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस में इनॉल फॉर्म मिला और इनॉलेट फॉर्म के बाद आपका टॉटोमराइज होकर ये एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करेगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हाइड्रोबोरेशन। ये भी दो स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले तो बोरेन का एडिशन होगा ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट, उससे हमें विनाइल बोरेन मिलेगा। देखिए नीचे जैसे ये एल्काइन है, इसमें अपने बोरेन से ट्रीट करा, बोरेन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसके जो हाइड्राइड हैं वो यहाँ पर अटैक करेंगे और ये इस तरीके से विनाइल बोरेन का निर्माण करेगा। विनाइल बोरेन का फिर आप फर्दर अगर ट्रीटमेंट करेंगे कार्बोनेट आपके, फिर एक और मॉलिक्यूल आपका जुड़ जाएगा। इसी तरीके से तीन मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड हो जाएंगे, इस तरीके से अब विनाइल बोरेन मिलेगा। फिर इसका NaOH और हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको इस तरीके का इनॉलिक फॉर्म मिलेगा, उसके बाद ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से वन ब्यूटाइन जो है उसको डाइबोरेन और एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करो, वो वैसे ही नहीं करती। और इसी में आपका देखिए टू ब्यूटाइन, इसमें भी आप देखिए बोरेन डाइबोरेन के साथ ये देखिए एन ए आपका ऑक्सीडेशन हुआ बोरेन के NaOH और हाइड्रोजन परऑक्साइड से इनॉलिक फॉर्म बना Na3BO3RCH2CHO, ये इनॉल फॉर्म आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से वन बोरेन आपका वन ब्यूटाइन लिया, दोनों स्टेप हुए हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, हमको क्या मिलता है? वन ब्यूटेनॉल। टू ब्यूटाइन के अंदर भी आपको मिलेगा टू ब्यूटेनॉन, यहाँ पर एडिशन होगा और टू ब्यूटेनॉन का निर्माण होता है। ये आपका हाइड्रोबोरेशन, और इससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था? हाइड्रेशन एल्काइन से। ये मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। इससे पहले था अपना ओजोनोलिसिस, अपन ने तीन अपने प्रिपरेशंस पढ़ी, एल्केन से ओजोनोलिसिस, नेक्स्ट अपनी पढ़ी एल्काइन से हाइड्रेशन के द्वारा आपने बनाया, और नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोबोरेशन से। इस तरीके से आपने एल्काइन या कार्बोनिल एल्काइन से कार्बोनिल ग्रुप का आपके फॉर्मेशन होता है। इसके आगे जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो अपन जो पार्ट थर्ड होगा लेक्चर का उसके अंदर पढ़ेंगे।